गुड मॉर्निंग बच्चों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने हमारा थंबनेल देखा होगा और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, टाइम एंड टेंस की हम लोग आज ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम एंड टेंस से बच्चों अप्रोक्स 5 to 7 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बोर्ड्स में आपके 12th में। ठीक है, 12th के बोर्ड्स में आपको 5 to 7 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो है बहुत ही सिंपल चीज़, लेकिन नहीं अगर माइंड में रहता है तो दिक्कत होता है। हम लोग ये पार्ट 1 ला रहे हैं इसका, पार्ट 1 जिसमें कि टोटल 15 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 जब हम लोग लाएंगे तो उसमें भी 15 होंगे, लेकिन पार्ट 2 लाने से पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों इसका थ्योरी के बारे में, जो कि आपका करीब करीब 2 घंटे का क्लास चलेगा। इसका 2 घंटे की वीडियो ऐसे आप लोग को मिलेगी, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम एंड टेंस हर जगह काम आएगा बच्चों, चाहे कॉम्पिटेटिव हो चाहे कुछ हो, सब में ये काम आएगा। इसीलिए बच्चों ये ऑब्जेक्टिव है क्लास 12th के लिए, VVI ऑब्जेक्टिव सिर्फ हम लोग ने पिकअप किया है 2021 बोर्ड के लिए। तो बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा देखें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें तो आप लोग के बेनिफिट होगा। तो बच्चों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो बगल वाले बेल के घंटा को जरूर दबा देना, ताकि न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो जिसका आंसर आप लोग को आता हो तो हमें नीचे कमेंट करके आंसर उसका बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों देखिए, इंग्लिश ग्रामर का हम लोग ऑब्जेक्टिव जो कि 15 है टाइम एंड टेंस से, पार्ट 1 हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन है, सी ब्लैंक यानी कि सी खाली जगह अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। तो ऑप्शन दिया 4, सैंग, सिंगिंग, विल सिंग, नन ऑफ दीज। तो सैंग होगा, सिंगिंग होगा, विल सिंग होगा, नन ऑफ दीज होगा। इसमें से क्या आंसर होगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और इसमें से जो आंसर होगा वो क्यों यही होगा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जब थ्योरी का वीडियो लेंगे तो ऐसे इसका आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सी आपने आंसर सोच लिया, चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सैंग। क्या होगा, सी सैंग अ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज कमिंग टूडे। तो आंसर मिल गया, कम्स, कमिंग, विल कम, नन ऑफ दिस। तो ही इज कमिंग टूडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों सी खाली जगह द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये पास्ट परफेक्ट का है, तो आपको पता है V3 का यूज होता है, तो V3 ढूंढेंगे, रीच्ड, रीच, हैड रीच्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो शी हैड रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? चलिए ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ही वॉज ब्लैंक टू जेल फॉर स्टीलिंग, चोरी करने के लिए उसको जेल भेज दिया गया था, ही वॉज सेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? सेंट। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा हुआ है बच्चों खाली जगह बिफोर द डॉक्टर केम, हैड डाइड, V3 है, पास्ट परफेक्ट है, तो हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था रोगी जो भी है। फिर कहता है खाली जगह हर स्पीच वी लिफ्ट द हॉल, हैड फिनिश्ड द हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल, यानी कि जो स्पीच दे रही थी उसका स्पीच खत्म होने से पहले ही हम लोग ऐसे क्या किए थे तो हॉल को छोड़ चुके थे। फिर क्वेश्चन कहता है बच्चों आपसे 7 नंबर, इन द क्लास स्लिप्स इन द क्लास, क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? स्लिप्स इन द क्लास। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लिखा है बच्चों हम लोग का खाली जगह अ गुड फैमिली मूवी ऑन द टेलीविजन, अ गुड फैमिली मूवी ऑन द टेलीविजन। तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग होगा, वॉच्ड होगा, वॉचेस होगा, वॉचिंग होगा। तो वॉच्ड, वॉच्ड अ गुड फैमिली, वॉच्ड अ गुड फैमिली मूवी ऑन द टेलीविजन। आप ये सारे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक वगैरह में देख सकते हैं। इट इज रेन, रेनिंग, रेन, या फिर नन ऑफ दिस। तो इट इज रेनिंग नाउ, क्या होगा? और ये तो क्वेश्चन बार बार हर बार के एग्जाम में देता है ये वाला। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क, इज वर्किंग, हार्ड वर्किंग, या फिर नन ऑफ दिस, वर्क। तो वर्क हार्ड। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? जिसका भी आंसर आपको आ रहा हो प्लीज़ नीचे ऐसे कमेंट जरूर करें हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, माई बिलव्ड ऑफन मी इन द मॉर्निंग, मेरी जो प्रिय है वो मुझसे शाम में मिलने आती है, क्या? विजिट, विजिटेड, विजिटिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर इसका सही हो जाएगा विजिट। ठीक है बच्चों, हम लोग इसलिए इतना तेज़ी से बता रहे हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, सब शॉर्ट वीडियोज़ हैं। चलिए, देर आर सम वर्ड्स डैट एवरी ईयर माइग्रेट, माइग्रेट्स, हैड माइग्रेटेड, हैव बीन माइग्रेटेड। इसका आंसर बच्चों आप लोग बताना,
तो इसका आंसर है माइग्रेट, माइग्रेट करते हैं कुछ वर्ड्स हमेशा है, ठीक है, हर साल। चिल्ड्रेन, ये तो आप भी बता सकते हो क्वेश्चन में जो 13 है आपका, चिल्ड्रेन, लाइक, लाइकिंग, लाइक्स, नन ऑफ दीज, तो चिल्ड्रेन बच्चों प्लूरल है तो जाहिर सी बात है कि लाइक ही लगेगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट आपका आपका क्वेश्चन रहता है। चिल्ड्रेन लाइक द चॉकलेट्स, क्या हो जाएगा बच्चों, चिल्ड्रेन लाइक द चॉकलेट्स। फिर कहता है आर यू एनी थिंग टूमोरो आफ्टरनून, आर यू, आर यू, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो सिंपल से पता चल रहा है, आर यू डूइंग, क्या हो जाएगा बच्चों, आर यू डूइंग, ऑप्शन था डू, डिड, डज या डूइंग, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सीधा डूइंग। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों, शी खाली जगह टू पटना नेक्स्ट वीक, शी इज कमिंग या फिर कम, हैड कम या फिर नन ऑफ दिस, तो कम तो होगा नहीं बच्चों, इज कमिंग होगा, क्या होगा, इज कमिंग होगा, हैड कम भी नहीं होगा, तो शी इज कमिंग टू पटना नेक्स्ट वीक। तो बच्चों ये हमने 15 ऑब्जेक्टिव ऐसे किया है, आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा आई होप। इसी तरीके से हम लोग ग्रामर का भी वीडियो ऐसे चलेगा, आज टेंस का था, इसका पार्ट टू आएगा, फिर इस आर्टिकल वगैरह पे हम लोग भी आएंगे, सारे ग्रामर के इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और जब लास्ट होगा बच्चों तो सारे को हम लोग मर्ज कर देंगे, कॉम्बिनेशन का हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके ही जाना। चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और स्टे होम स्टे सेफ।